अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। साथियों, सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में भांति भांति के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसका व्रत भी किसी कठिन साधना से कम नहीं होता। छठ पूजा की एक और खास बात होती है, इसमें पूजा के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उसे समाज के विभिन्न लोग मिलकर तैयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उपयोग होता है, मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिए चने की पैदावार करने वाले किसान और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहयोग के बिना छठ की पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई की जाती है। छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी हमने पवित्र छठ पूजा की बात की, भगवान सूर्य की उपासना की बात की, तो क्यों न सूर्य उपासना के साथ साथ आज हम उनके वरदान की भी चर्चा करें। सूर्य देव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है, थिरु के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमलजी मीणा। कमलजी ने खेत में सोलर पंप लगाया जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं,
इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। साथियों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले? सौर ऊर्जा ने ये भी कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढ़ेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढ़ेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा, और इसकी शुरुआत मोढ़ेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। आइए मन की बात के श्रोताओं को भी मोढ़ेरा के लोगों से मिलवाते हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं श्रीमान विपिन भाई पटेल। विपिन भाई नमस्ते। देखिए, अब तो मोढ़ेरा पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में चर्चा में आ गया है, लेकिन जब आपको अपने रिश्तेदार परिचित सब बातें पूछते होंगे तो आप उनको क्या बताते हैं, क्या फायदा हुआ? सर, लोग हमारे को पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जो बीज बिल आता था, लाइट बिल, वो अभी 0 आ रहा है, और कभी 70 रुपए आता है, पर लेकिन हमारे पूरे गांव में जो आर्थिक परिस्थिति है वो सुधर रही है। यानी एक प्रकार से पहले जो बिजली बिल की चिंता थी वो खत्म हो गई। हाँ सर, वो तो बात सही है सर। तो अभी तो कोई टेंशन नहीं, पूरे गाँव में सब लोग को लग रहा है कि सर ने जो किया तो वो तो बहुत अच्छा किया है, वो खुश है सर, आनंदित हो रहे हैं सब। अब अपने घर में ही खुद ही बिजली का कारखाना के मालिक बन गए, खुद का अपना घर के छत पे बिजली बन रही है। हाँ, बात सही है सर। तो क्या ये बदलाव जो आया है उसकी गांव के लोगों पे क्या असर है? सर, वो पूरे गांव के लोग वो खेती कर रहे हैं तो फिर मेरे को बिजली की जो झंझट थी तो उसमें मुक्ति हो गई है। बिजली का बिल तो भरना नहीं है, निश्चित हो गए हैं सर। मतलब बिजली का बिल भी गया और सुविधा बढ़ गई, झंझट भी गया सर। और सब जब आप यहाँ आए थे और तो 3D शो जो यहाँ उद्घाटन किया, तो इसके बाद तो मोढ़ेरा गांव में 4 चांद लग गए सर। और वो जो सेक्रेटरी आए थे सर, जी जी, तो वो गांव फेमस हो गया सर। या UN के सेक्रेटरी जनरल, उनकी खुद की इच्छा थी, उन्होंने मुझे बड़ा आग्रह किया कि भाई इतना बड़ा काम किया है तो मैं वहां जाके देखना चाहता हूं। चलिए विपिन भाई, आपको और आपके गांव के सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दुनिया आप में से प्रेरणा ले और ये सोलर एनर्जी का अभियान घर घर चले। ठीक है सर, हम लोगों को बताएंगे कि भाई सोलर लगवाओ, आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फायदा है। हाँ, लोगों को समझाइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे बात करके। विपिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मोढ़ेरा गांव में वर्षा बहन से भी बात करेंगे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते वर्षा बहन, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। हम धन्य हो गए सर आपसे बात करके। अच्छा वर्षा बहन, हाँ, आप मोढ़ेरा में, आप तो एक तो फौजी परिवार से हैं। फौजी परिवार से हूँ मैं, आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर। तो पहले हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला आपको? मुझे राजस्थान में मिला, गांधीनगर में मिला, कचरा का जो जम्मू है वहाँ पर मिला मौका, साथ में रहने का बहुत सुविधा वहाँ पर मिल रही थी सर। और ये फौज में होने के कारण आप हिंदी भी बढ़िया बोल रही हो। हाँ, सीखा है सर। मुझे बताइए, मोढ़ेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, ये 16 रूफटॉप प्लांट आपने लगवा दिया, जो शुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपको मन में आया होगा ये क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसे थोड़ी बिजली आती है, सब बातें हैं कि आपके मन में आई होगी, अब क्या अनुभव आ रहा है, इसका फायदा क्या हुआ है?
बहुत सर, फायदा तो फायदा ही फायदा हुआ है सर। हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है आपकी वजह से। 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है, बिल तो आता ही नहीं है बिल्कुल। हमारे घर में हमने इलेक्ट्रिक सब चीजें घर में ला रखी है सर, सब यूज कर रहे हैं हम आपकी वजह से सर। बिल आता ही नहीं है तो हम फ्री माइंड से सब यूज कर सकते हैं ना। ये बात सही है, आपने बिजली का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी मन बना लिया है। बना लिया सर, बना लिया। अभी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फ्री माइंड से सब जो वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब चला सकते हैं सर। और गांव के बाकी लोग भी खुश हैं इसके कारण? बहुत बहुत खुश है सर। अच्छा, ये आपके पतिदेव तो वहाँ सूर्य मंदिर में काम करते हैं, तो वहाँ वो जो लाइट शो हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ, और अभी दुनिया भर के मेहमान आ रहे हैं। दुनिया भर के फॉरेनर आ सकते हैं, अगर आपने वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर दिया है हमारे गांव को। तो आपके पति को अब काम बढ़ गया होगा, इतने मेहमान वहाँ मंदिर में देखने के लिए आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जितना भी काम बढ़े सर कोई बात नहीं, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पति को बस आप विकास करते जाओ हमारे गाँव का। अब गाँव का विकास तो हम सबको मिल करके करना है। हाँ हाँ सर, हम आपके साथ है। और मैं तो मोढ़ेरा के लोगों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि गांव ने इस योजना को स्वीकार किया और उनको विश्वास हो गया कि हाँ, हम अपने घर में बिजली बना सकते हैं। 24 घंटे सर हमारे घर में बिजली आती है और हम बहुत खुश हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जो पैसे बचे हैं इसका बच्चों के भलाई के लिए उपयोग कीजिए, उन पैसों का उपयोग अच्छा हो ताकि आपका जीवन को फायदा हो। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और सब मोढ़ेरा वालों को मेरे नमस्कार। साथियों, वर्षा बहन और विपिन भाई ने जो बताया है वो पूरे देश के लिए, गांवों शहरों के लिए एक प्रेरणा है। मोढ़ेरा का ये अनुभव पूरे देश में दोहराया जा सकता है। सूर्य की शक्ति अब पैसे भी बचाएगी और आय भी बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक साथी हैं मंजूर अहमद लईवाल। कश्मीर में सर्दियों के कारण बिजली का खर्च काफी होता है, इसी कारण मंजूर जी का बिजली का बिल भी 4,000 रुपये से ज्यादा आता था। लेकिन जब से मंजूर जी ने अपने घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाया है, उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है। ऐसे ही ओडिशा की एक बेटी कुन्नी देवरी सौर ऊर्जा को अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के रोजगार का माध्यम बना रही है। कुन्नी उड़ीसा के केंदुझर जिले के करदापाल गांव में रहती है। वो आदिवासी महिलाओं को सोलर से चलने वाली रीलिंग मशीन पर सिल्क की कटाई की ट्रेनिंग देती है। सोलर मशीन के कारण इन आदिवासी महिलाओं पर बिजली के बिल का बोझ नहीं पड़ता और उनकी आमदनी हो रही है। यही तो सूर्यदेव की सौर ऊर्जा का वरदान ही तो है। वरदान और प्रसाद तो जितना विस्तार हो उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप भी इसमें जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं आपसे सूरज की बातें कर रहा था, अब मेरा ध्यान स्पेस की तरफ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। इसलिए मैंने सोचा मन की बात के श्रोताओं को ये बताकर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाऊं। साथियों, अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता, एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। आपसे बात करते हुए
मुझे वो पुराना समय भी याद आ रहा है जब भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ना सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की बल्कि आज इसकी मदद से एक साथ दर्जनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ भारत ग्लोबल कॉमर्शियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा है। इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं। साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा हमारा देश सबका प्रयास से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। भारत में पहले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्थाओं के दायरे में ही सिमटा हुआ था। जब ये स्पेस सेक्टर भारत के युवाओं के लिए, भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे हैं। भारतीय इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस और नई नई टेक्नोलॉजी लाने में जुटे हैं। विशेषकर इन स्पेस के सहयोग से इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन स्पेस के जरिए गैर सरकारी कंपनियों को भी अपने पेलोड्स और सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा मिल रही है। मैं अधिक से अधिक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से आग्रह करूंगा कि वे स्पेस सेक्टर में भारत में बन रहे इन बड़े अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब स्टूडेंट्स की बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आए, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गई है। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है तो इसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में जुट गए हैं, वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूं। जिस तरह हमारे युवा हैकेथॉन्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रात रात भर जाकर घंटों काम करते हैं, वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। बीते वर्षों में हुए हैकाथॉन्स ने देश के लाखों युवाओं ने मिलकर बहुत सारे चैलेंजेस को निपटाया है, देश को नए सॉल्यूशंस दिए हैं। साथियों, आपको याद होगा मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा इसकी कमान हमारी आईआईटी के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटी अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। वैसे तो ये सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। यह बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो
ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे छात्र इनसे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में जुटे हैं। कई सारी IITs मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जो स्थानीय भाषाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है। ये प्रोजेक्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन लक्ष्यों को प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि IIT मद्रास और IIT कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्टबेड को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से यह एक शानदार शुरुआत है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस तरह के कई और प्रयास देखने को मिलेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि IIT से प्रेरणा लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज में तेजी लाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हमारे समाज के कण कण में समाहित है और इसे हम अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए गजब का जुनून है। 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया था। एक काम मुश्किलों से भरा था, लेकिन 20 साल पहले लगाए गए वो पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब इनकी सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है। सुरेश कुमार जी और एक अद्भुत काम भी करते हैं। उन्होंने कन्नड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है। वो सैकड़ों लोगों को कन्नड़ा में लिखी ब्रास प्लेट्स भी भेंट कर चुके हैं। इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़े और फले फूले, सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। साथियों, आज इको फ्रेंडली लिविंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में पहले से कहीं अधिक जागरूकता दिख रही है। मुझे तमिलनाडु के एक ऐसे ही दिलचस्प प्रयास के बारे में भी जानने का मौका मिला। ये शानदार प्रयास कोयम्बटूर के अनाईकट्टी में आदिवासी महिलाओं की एक टीम का है। इन महिलाओं ने निर्यात के लिए 10,000 इको फ्रेंडली टेराकोटा टी कप का निर्माण किया। कमाल की बात तो ये है कि टेराकोटा टी कप बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन महिलाओं ने खुद ही उठाई। क्ले मिक्सिंग से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक सारे काम स्वयं किए। इसके लिए इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया था। इस अद्भुत प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। साथियों, त्रिपुरा के कुछ गांवों ने भी बड़ी अच्छी सीख दी है। आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर, इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देकर बहुत ही खुश हूं। कुछ दिन पहले ही भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा
जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। साथियों, कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखम भी शामिल रही। गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो 3 टीमें रही, वे हैं सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम। इन खेलों में 6 नेशनल रिकॉर्ड्स और करीब करीब 60 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड्स भी बने हैं। मैं पदक जीतने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इन खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य की कामना भी करता हूं। साथियों, मैं उन सभी लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया। आपने देखा है कि गुजरात में तो राष्ट्रीय खेल नवरात्रि के दौरान हुए। इन खेलों के आयोजन से पहले एक बार तो मेरे मन में भी आया कि इस समय तो पूरा गुजरात इन उत्सवों में जुटा होता है, तो लोग इन खेलों का आनंद कैसे ले पाएंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था और दूसरी तरफ नवरात्रि के गरबा वगैरह का इंतजाम, ये सारे काम गुजरात एक साथ कैसे कर लेगा। लेकिन गुजरात के लोगों ने अपने आतिथ्य सत्कार से सभी मेहमानों को खुश कर दिया। अहमदाबाद में नेशनल गेम्स के दौरान जिस तरह कला, खेल और संस्कृति का संगम हुआ, वह उल्लास से भर देने वाला था। खिलाड़ी भी दिन में जहां खेल में हिस्सा लेते थे, वहीं शाम को वे गरबा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे। उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्रि की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की। ये देखना हम सभी के लिए बहुत ही आनंददायक था। आखिरकार इस तरह के खेलों से भारत की विविध संस्कृतियों के बारे में भी पता चलता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी उतना ही मजबूत करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नवंबर महीने में 15 तारीख को हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आपको याद होगा, देश ने पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को सेलिब्रेट करने के लिए ये शुरुआत की थी। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट कर दिया था। उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ऐसा कितना कुछ है जो हम धरती आबा बिरसा मुंडा से सीख सकते हैं। साथियों, जब धरती आबा बिरसा मुंडा की बात आती है, छोटे से उनके जीवन काल की तरफ नजर करते हैं, आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और धरती आबा ने तो कहा था, ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। उनके इस वाक्य में मातृभूमि के लिए कर्तव्य भावना भी है और पर्यावरण के लिए हमारे कर्तव्यों का एहसास भी है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि हमें हमारी आदिवासी संस्कृति को भूलना नहीं है,
उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना है। आज भी हम देश के आदिवासी समाजों से प्रकृति और पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मुझे रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाएं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर यानी परसों मैं गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूदा मानगढ़ में रहूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहां पर नवंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि इस नरसंहार में 1000 से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु जी ने किया था, जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आज मैं उन सभी आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु जी के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करता हूं। हम इस अमृत काल में भगवान बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु और अन्य स्वतंत्र सेनानियों के आदर्शों का जितनी निष्ठा से पालन करेंगे, हमारा देश उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाली 8 नवंबर को गुरुपुरब है। गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व जितना हमारी आस्था के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हमें इससे सीखने को भी मिलता है। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन मानवता के लिए प्रकाश फैलाया। पिछले कुछ वर्षों में देश ने गुरुओं के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व देश और विदेश में व्यापक स्तर पर मनाने का सौभाग्य मिला था। दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण होना भी उतना ही सुखद है। कुछ दिन पहले ही मुझे हेमकुंड साहब के लिए रोपवे के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला है। हमें हमारे गुरुओं के विचारों से लगातार सीखना है, उनके लिए समर्पित रहना है। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी है। इस दिन हम तीर्थों में, नदियों में स्नान करते हैं, सेवा और दान करते हैं। मैं आप सभी को इन पर्वों की हार्दिक बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में कई राज्य अपने राज्य दिवस भी मनाएंगे। आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा, केरला तिरावी मनाया जाएगा, कर्नाटका राज्योत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा भी अपने राज्य दिवस मनाएंगे। मैं इन सभी राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी राज्यों में एक दूसरे से सीखने की, सहयोग करने की और मिलकर काम करने की स्पिरिट जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही आगे जाएगा। मुझे विश्वास है हम इसी भावना से आगे बढ़ेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मन की बात की अगली मुलाकात तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।